तो एक कंपनी में अगर मानो तीन आदमी जा रहा है काम करने, मतलब दो ही आदमी जा रहा है काम करने, तो क्या होता है, उमंग होता है। कल वाला पी एच माने नु पी एच, ठीक है ना, दो चीज चला रहा है, पी एंड एच, पी एंड एच, ठीक है ना। पी का मतलब पावर या पोटेंच, मतलब क्या है, एच का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन के शक्ति को ही बोलते हैं पी एच, ठीक है ना। जब अम्लीयता जब बढ़ता है तो एच प्लस होता है, ठीक है ना, एच प्लस, और जब क्षारीयता बढ़ता है तो ओ एच माइनस होता है, पिछले बार बता दिए हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, सॉरेनसन ने किया था, पीएचसीएल का खोज 1909 में किया था, कहते ना। इसका जन्म कब हुआ था, हाँ 9 जनवरी 1859 में इसका जन्म हुआ था, और देहांत कब हुआ, 12 फरवरी 1939 को। कोई दिक्कत, अब चलो आज वाला टॉपिक में, यहाँ पर ये हो गया पीएच स्केल, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट है बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज नो नथिंग, सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन, ठीक है ना। एक होता है मैथ में सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मतलब होता है हल करना, आई सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन, ठीक है ना। अब बिलियन किसे बोलते हैं, जैसे चीनी और पानी को घोल दे उसे क्या बोलते हैं, बिलियन, समझ में आ गया बिलियन, ठीक। नून पानी के घोल दे क्या हो गया, बिलियन, चीनी पानी बिलियन, मीठा पानी बिलियन, कौन दिक्कत, नींबू पानी सब बिलियन, समझ में आ गया। हाँ भैया देखो, ये यहाँ पे इसका मेन सेंटर है। एसिडिक मतलब क्या होता है, अम्लीयता, अम्लीयता मतलब क्या होता है, खट्टा। इससे डिफिनेशन लिखवाया था अम्ल का क्या होता है कि वह पदार्थ, ठीक है ना, जो चखने में क्या खट्टा लगता है, पता है ना, चखने में खट्टा, ठीक है ना। और नीला लिटमस को लाल कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक। बेस को क्या होता है, वह पदार्थ, ठीक है ना, जो चखने में छारा लगता है, ठीक है ना, छार मतलब कि छार मतलब जैसे कि हो गया पौधे का राख, राखी समझते हो, राखी, राखी कैसा होता है, छार होता है, ठीक है ना, यानी जो चखने में छार हो, ठीक है ना, और लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, समझ में आ गया। अब ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। एक होता है पी एच स्केल, ठीक है ना, पी एच स्केल पिछला बार पढ़ा चुके हैं, पी एच स्केल, ठीक है ना, ये वही है पी एच स्केल, ठीक है ना। अब इसमें यह होता है कि जब कोई किसी बिलियन का मान, ठीक है ना, अगर कोई बिलियन है उसका मान अगर यहाँ पे 7 पे है, ठीक है ना, ये नापने वाला होता है, उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है। अगर जिसका यहाँ 7 पर है, ठीक है ना, किसी बिलियन का मान अगर 7 आ रहा है तो कैसा बिलियन है, वो उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है कि वो ना बेसिक है और ना एसिडिक है, ठीक है ना, ना वो अम्ल में आएगा ना वो क्षार में आएगा, वो न्यूट्रल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ 7 से इधर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, ये एसिडिक होते जाएगा, एसिडिक का मतलब क्या होता है, अम्लीयता होते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा न्यूट्रल रहेगा, इससे आगे जाएगा तो थोड़ा सा अम्ल बढ़ेगा, इससे आगे जाएगा तो अम्ल, मतलब जितना आगे इधर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उतना इसका अम्ल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, यानी ज़्यादा खट्टा होते जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है बेसिक, यहाँ बेसिक का मतलब क्या होता है, इंक्रीज एल्कालिनिटी, ठीक है ना, यानी क्षारिता, ठीक है ना। तो इसका यही होता है कि यहाँ जो बीच में 7 पे इसका मान है तो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, और 7 से इधर जहाँ बढ़ जाएगा 8 9 10 तो क्या हो जाएगा, क्षारियाता होता जाएगा, ठीक है ना, यानी इधर थोड़ा कम क्षारी, इधर ज़्यादा, मतलब इस तरह होते होते इधर पूरा क्षारियाता बढ़ते जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर है कि अगर 7 से अधिक किसी पी एच का मान होता है, यहाँ पर अगर 7 बराबर है तो न्यूट्रल है, ठीक है ना, या अगर पी एच का मान 7 से अधिक है तो एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना, मतलब क्षारियाता हो जाता है। और यहाँ पर पीएच का मान अगर यहाँ पे क्या होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, एल्कालिनिटी होता है, ठीक है ना। जैसे मानो एक कंपनी है, समझ गया लोग, कोई कंपनी, ठीक, तो एक कंपनी में अगर मानो 3 आदमी जा रहा है काम करने, मतलब 2 ही आदमी जा रहा है काम करने, तो क्या होता है, उमंग होता है ना कमाने का, जा रहा है पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, मालिक से ये कहेंगे वो कहेंगे, 50 का हर तरह का उमंग रहता है, ठीक। और जब यहाँ मालिक के पास पहुँचेंगे तो कोई नहीं बोलता है, समझ गया ना, यहाँ आकर सब कोई न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, कभी कभी कंपनी में काम घबरा जाता है, यानी मालिक पैसा नहीं देता है तो क्या करता है, लेबर यहाँ रहेगा इसके पास तक कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, और जैसे जैसे यहाँ बढ़ेगा उसका गाड़ी चालू, समझ आया ना, इधर जाएगा तो इधर ही आएगा, इधर जाएगा तो इधर ही आएगा, समझ में आ गया। मतलब इधर ये इधर जितना ही बढ़ेगा उसको उतना ही खीस बढ़ेगा, उतना ही उसके बारे में बुरा भला बोलेगा, और इधर ये जितना इधर आएगा, ठीक है ना, उसके बारे में वो बुरा भला बोलेगा, ठीक। तो समझ में आ गया, न्यूट्रल किधर जाता है तो एसिडिक, इधर एल्कालिनिटी यानी बेसिक, समझ में आ गया। अब पीएच के 7 से अगर मान अधिक होता है
इक्वल है तो न्यूट्रल, ज़्यादा है तो एसिडिक और कम है तो एल्कलिनिटी। हाँ नाम इंटर मजा नहीं देखें अब। ठीक है ना, एसिडेंट मतलब क्या, देखो कहने का मतलब कि जैसे मानो कि कभी बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी कभी भी बारिश का जो फर्स्ट बूंद होता है ना, ऐसे मानो इस सीजन में बारिश नहीं हुआ है, ठीक। और जब फर्स्ट बार, जब मतलब एक बात बोल, जब फर्स्ट बार अगर बारिश हो रहा है तो उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसी बारिश को बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा चिमनिया होता है, ठीक है ना, बहुत सारा फैक्ट्री होता है, उसका धुआं का जाता है ऊपर जाता है वायुमंडल में, ठीक है ना। और जब फर्स्ट बारिश होता है उसी के साथ में क्या होता है, बारिश के साथ में वो भी गिरता है, ठीक है ना, यानी एसिड। तो उस जो गिरता है बारिश होता है ना, जो मतलब फर्स्ट बारिश जो होता है, ठीक है ना, किसी भी साल में या सीजन में, उसे ही बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है ना। तो कभी भी फर्स्ट सीजन में अगर कोई फर्स्ट बारिश हो रहा है तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने के बाद क्या होता है, फीवर हो जाता है, बुखार होता है। बुखार ऐसे होता है कि उस बारिश में जो होता है अम्ल के मात्रा मिला हुआ होता है, ठीक, उसमें एसिड का मात्रा मिला हुआ होता है, ठीक, इसी कारण से हम लोग का हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एसिड है ना, अगर एग्जाम में समझ में नहीं आया तो बोल देना कि अगर किसी माह में, ठीक है ना, या किसी वर्ष में, ठीक, अगर पहली बारिश हो रहा है, ठीक है ना, उस बारिश में, ठीक है ना, उसी या उसी बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। या उसका पीएच मान 5.6 से कमी हो, अगर 5.6 ना भी लिखाएगा, सिर्फ लिख देगा कहाँ उसमें एसिड का मात्रा होता है, उसे बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनेमल, इनेमल किसको बोलते हैं, इनेमल का है, इनेमल दांत के ऊपरी परत को है ना, इनेमल इसी को इनेमल बोलते हैं, ऊपर नहीं था चमड़ा, उसी को बोलते हैं इनेमल, ठीक है ना। हाँ मसूड़ा, मसूड़ा को इनेमल, तो कहाँ पर इनेमल, ई एन ए, हाँ इनेमल, इनेमल, इनेमल दांत की ऊपरी परत को इनेमल बोलते हैं, ठीक बात है। ज़्यादा तो लोग मीठ चीज़ खा लेगा लो, ठीक है ना, बाजार जाकर चीज़ मीठ खा लेगा लो, छोड़ देगा दांत, मतलब कुल वाला नहीं करेगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें ये हो जाता है कि यहाँ जाता है ना तो यहाँ पर जम जाता है, जम जाएगा, ठीक है, तो इसमें होता है कीड़ा, कीड़ा होता है दांत में छेद कर देता है, तो उसमें हम कहा बोलते हैं खोलेला, ठीक है ना, खोला बोलते हैं ना। तो इनेमल, वही इनेमल यहाँ पर ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा हम लोग का मीठ चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, या मीठ चीज़ खाओ, ठीक है ना, तो उसको क्या, उसको मतलब साफ़ करना चाहिए, ठीक है ना। जो इंसान साफ़ नहीं करता उसी को वहाँ पर जम जाता है, और जम जाता है उसी को जैसे वहाँ पर कीड़ा लगता है, कीड़ा लगता है तो दांत में छेद करता है, ठीक है ना, तो उससे बोलते हैं खोलेला, वही हमको दिक्कत हो जाता है, ठीक। तो ये दांत के ऊपरी पर तो क्या बोलते हैं, इनेमल, यानी कौन सा झड़ता है, दतम से कौन छेद होता है, इनेमल, इनेमल ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, दांत में छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो दांत के उसी को बोलते हैं हम लोग इनेमल, समझ में आ गया भाई। तो कहे तो भाई, ये अमाशय रस, ठीक है ना, ये अमाशय रस कहाँ काम आता है, ये पेट में होता है, ठीक है ना। पेट में कौन सा एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आया था हम लोग बेरा कि पेट में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, HCl अम्ल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग का पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl, और कुत्ता के पेट में भी HCl अम्ल होता है, लेकिन उसमें हार्ड HCl होता है, हम लोग में कमजोर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हड्डी को भी चबा जाता है और हम लोग हड्डी को नहीं चबा पाते हैं, ठीक। तो इसमें अगर आ जाए कि अमाशय रस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना, ठीक है ना, कि पेट के अंदर HCl अम्ल होता है जिसे अमाशय रस कहते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर अमाशय रस, देखें फैमिली लॉ, यानी परिवार, यानी हम लोग कौन कौन सा नमक का यूज करते हैं खाने में। तो एक यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड, एक यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, ये दोनों नमक का हम लोग खाने में यूज करते हैं, कोई दिक्कत। इसका केमिकल नेम क्या होता है, NaCl, ठीक, हाँ केमिकल नेम NaCl क्या बोलते हैं हम लोग, भल लिखवा है, WaCl जिसको हम यूज करते हैं कॉमन, इसका होता है सोडियम क्लोराइड, CHLOR सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब इसको बनाने का मेथड, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, बनाने का विधि, PREPA प्रिपरेशन, RATA प्रिपरेशन ऑफ मेथड, METHOD कौन कौन सा हो गया ना, हाई ओडी, METHOD ऑफ PREPA प्रिपरेशन, आर एच, हाँ, बनाने का विधि, बनाने का विधि, विधि इसका क्या होता है, ये किस तरह नमक बनता है, तो इसमें कौन कौन सा चीज़ लगता है नमक बनाने में। तो सबसे फर्स्ट लगता है HCl, ठीक है ना, HCl का क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकड़ वाले, HYDROCHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड। अब इसमें एक चीज़ और मिलेगा, NaOH का हुआ, NaOH सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड,
हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड HYDROXIDE ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्शन होगा, दोनों जब मिलेगा ठीक तब नमक बनेगा। देखो यहाँ पर क्लोरिक एसिड, यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर HCl ठीक प्लस NaOH, जब दोनों रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा NaCl, बना नहीं NaCl, हाँ NaCl जी, क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, और इसमें से क्या निकला गया इसमें से H प्लस यहाँ पर H2O, H यहाँ पर दो गो बचा हुआ है ना, एक गो H यहाँ पर है, एक गो H यहाँ पर, एक एक दो गो तो H2O एक गो है H2O, H2O कच्ची होता है पानी, पानी नीचे भागता है कि ऊपर भागता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, O2 इज ऊपर ठीक है ना, H2O इज नीचे, पानी नीचे भागता है, नीचे ना पानी ऊपर से भागला, अगर ऊपर भागता है ठीक, तो ये कॉमन साल्ट यही होता है ठीक है ना। इसका केमिकल एग्जाम आ गया, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका बनाने का मेथड आएगा किस तरह बनाया जाता है, तो बस यहाँ पे HCl ये लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, ये भी लिख के बना देगा तो मिल जाएगा यहाँ पे HCl प्लस यहाँ पे NaOH, यानी इस जब रिएक्शन करेगा दोनों तो बनेगा NaCl, अब H2O पानी निकल जाएगा। अब इधर अटेंशन पे इधर ध्यान दे दो, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ होता है ठीक है ना, तो मेन काम जानते कहा, इसका मेन काम है कि कुआं में ठीक है ना, यानी जहाँ पानी गंदा है ठीक है ना, पानी फिल्टराइज होता है उसमें इसी केमिकल को डालते हैं ठीक है ना, बिस्लरी की बोतल नहीं आता है उसमें यही केमिकल होता है ठीक, ब्लीचिंग पाउडर हाँ, उसमें इसका जो उतना कीटाणु होता है ना, कीटाणु सब मर जाता है ठीक है ना, यानी पानी गर्म करके पीना चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाने पानी गर्म करने के बाद का उसमें सब कीटाणु मर जाता है ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कीटाणु के मारने काम करता है ठीक, तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया ठीक है ना। अब इसका यहाँ पर अगर पूछ दे कोई कि इसका रासायनिक नाम क्या है ठीक है ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है ना, और इसका अगर इसका रासायनिक कोई फॉर्मूला पूछ दे तो सी ए ठीक है ना, सी ए ओ सी एल टू हाँ, कौन सा हाई हाई, यहाँ केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ठीक इज इक्वल टू यहाँ पे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या इसको हिंदी का पढ़ सकता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का नाम है ठीक, तो इसका नाम हो गया ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ठीक है ना, फॉर्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ए और ये सेम है, तो ये इसका नाम है, ये इसका फॉर्मूला है ठीक है ना, ये सिर्फ इसका नाम है, ये इसका करतूत है ठीक है ना। लोग कैसे फेमस कैसे होता है, उतना कार से फेमस होता है नाम मरकर हाइंस बोल का ही ठीक बनाने का मेथड प्रिपरेशन इसको किस तरह बनाया जाता है, तो सी ए ओ एच होल ट्वाइस टू ठीक है ना, इसका क्या बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम है प्लस यहाँ पर क्लोराइड सी एल टू क्लोराइड, ये दोनों जब रिएक्शन होगा ठीक है ना, तो बनेगा सी ए ओ सी एल टू यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और प्लस यहाँ पे एच टू ओ पानी कहाँ जाएगा बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत।